चेन्नई के चीते करेंगे शिकार या फिर दिल्ली कैपिटल्स करेगी चेन्नई की पार्टी खराब। भाई दिल्ली कैपिटल्स के होम ग्राउंड पर आखिरी मुकाबला होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का। दोनों टीम के लिए भाई मुकाबला अहम है, दिल्ली कैपिटल्स के लिए दिल्ली थोड़ा कम लेकिन चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा अहम मुकाबला है। चेन्नई की टीम को यहाँ पर डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए प्लेऑफ्स के लिए ये मुकाबला जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम को यहाँ पर अपना एक मुकाबला जीत के एक शुभ विदाई, एक अच्छी विदाई, एक पॉजिटिव विदाई देने के साथ भाई आईपीएल 2023 का अपना सफर करेगी खत्म। अपना पिछला मुकाबले में भाई झटका दे चुकी है दिल्ली कैपिटल्स पंजाब किंग्स को, बहुत बड़ा झटका और कहीं ना कहीं उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों पर पानी फेर के गई है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। अगर यहाँ पर एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स कुछ ऐसे ही वंडर्स प्रोड्यूस करती है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ तो भाई एक बहुत बड़ा अपसेट मिलेगा माही की पूरे फैंस को और महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को। और अगर यहाँ पर माही चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ पर बाजी मारती है दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर तो भाई लगातार उनके कई सीजन हो जाएंगे जहाँ पर एमएस धोनी की टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेगी। तो अपन बात करेंगे भाई कैसा अरुण जेटली के स्टेडियम में पिच का मजाज और क्या होगा वेदर कंडीशंस। तो भाई पहले चलते हैं वेदर कंडीशंस की तरफ। तो भाई दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो भाई दिल्ली की सीधा सीधा मतलब होता है दिल्ली की अगर आप जून जुलाई में अगर आप मई जून जुलाई की अगर आप बात करते हैं भाई दिल्ली के अंदर क्या मौसम रहता है तो भाई दिल्ली के अंदर मई जून जुलाई में होती है तपती एकदम भीषण गर्मी। तो भाई भीषण गर्मी के अंदर ये मुकाबला होगा जहां पर दूसरी पारी में आपको ड्यू थोड़ी बहुत देखने को मिलती है लेकिन इस भीषण गर्मी का मतलब होता है भाई विकेट होती है पूरी पूरी ड्राई। तो ड्राई विकेट होगी, गर्मी होगी बहुत ज़्यादा, दूसरी पारी में आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ड्यू देखने को मिलेगा और साथ के साथ जो है मेन बात है कि जो टेम्परेचर रहेगा यहाँ पर वो यहाँ का रहेगा भाई 35 से 42 डिग्री के बीच में, जो कि रात के समय भी इतनी गर्मी आपको देखने को मिलेगी। थोड़ी थोड़ी हवाएं 17 किलोमीटर के आसपास आपको यहाँ पर ठंडी हवा भी चलते हुए आपको नजर आएंगी लेकिन भाई दिल्ली की गर्मी का किसी की नहीं चलती, वो थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी ना कुछ काम की नहीं रहती। मैं बात करूँ अगर वेदर प्रेडिक्शंस की भाई तो वेदर के अलावा यहाँ पे बारिश की प्रेडिक्शंस की तो भाई बारिश यहाँ पर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रही है थ्रू आउट द सीज़न। यहाँ पे काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हमें वेदर और रेनी सीज़न हमें देखने को मिले हैं, कभी भी यहाँ पर बारिश हो रही है। तो भाई इस मुकाबले के अंदर भी ना 35% बारिश के चांसेस हैं, तो यानी कि भाई बारिश की आप संभावना थोड़ी बहुत कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी बारिश की संभावना यहाँ पर हो सकती है दिल्ली के इस चेन्नई वर्सेज दिल्ली के मैच के अंदर। बात करता हूँ भाई पिच रिपोर्ट की तो भाई दिल्ली का पिच रिपोर्ट का मतलब सीधे सीधे साफ है कि आपको बहुत सारे रन बनते हुए नजर आ सकते हैं लेकिन जो दिल्ली कैपिटल्स के जो शुरुआती मैचेस रहे थे आईपीएल 2023 के अंदर उसके अंदर आप रन थोड़े से कम बने थे, यानी कि जो स्पिनर्स को थोड़ी सी गेंद ग्रिप करने में आसानी हुई थी, बाउंस थोड़ा सा कम था लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर मुकाबले आगे बढ़ते रहे सबको लग रहा था कि भाई यहाँ पर और ज़्यादा स्लो होगी विकेट, लेकिन जैसे जैसे आगे मुकाबले बढ़े तो यहाँ पर जो विकेट थी और ज़्यादा थोड़ी सी बल्लेबाजी के लिए अनुकूल ही नतीजा। जो पिछला मुकाबला हुआ था यहाँ पर डीसी और आरसीबी का उसके अंदर 15 ओवर के अंदर 185 यहाँ पर चेज हुए थे, तो ये पता चल रहा है भाई यहाँ पर थोड़े थोड़े जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली की विकेट थोड़ी सी बेटर हो रही है बल्लेबाजी के लिए। हो सकता है आपको इस मुकाबले के अंदर भी स्लो ओवर्स के अंदर थोड़ा सा रन बनाना मुश्किल नजर आए लेकिन स्टार्टिंग के ओवर में ना 6 ओवर के अंदर थोड़ा सा बाउंस देखने को मिलेगा लेकिन मिडिल ओवर्स के अंदर आपको रन बनाना आसान होगा, दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा और आसान हो सकता है। आपको कैसे लगा भाई, कौन सी टीम आप सपोर्ट कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स या फिर चेन्नई सुपर किंग्स, किस टीम को आप अंतिम विदाई देंगे? अंतिम विदाई होना तय है चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स की हो चाहे वो दिल्ली कैपिटल्स की। चेन्नई सुपर किंग्स अगर मुकाबला अपना हारती है तो कहीं ना कहीं दूसरी टीम के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा जो कि चेन्नई की आदत तो नहीं है अब, लेकिन ये आदत चेन्नई की लत लगेगी या फिर नहीं लगेगी ये देखने वाली बात है। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।